हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो जिन कैंडिडेट ने ओएफआरसी के फर्स्ट फेज का एग्जाम्स दिया था, उन कैंडिडेट के रिटर्न टेस्ट के मार्क्स जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं ओएफआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपने रिटर्न टेस्ट मार्क्स जो है नहीं देखे हैं, तो वह ओएफआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहां पर मैं ओएफआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हूं, ऑर्डनेस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर, यानी कि यहां पर देख सकते हो आप टैब में ofrcapply.com। तो इसके होम पेज पर है, यहाँ पर यह लेटेस्ट न्यूज अपडेट हुई है कि आप अपनी मार्कशीट को व्यू कर सकते हैं एंड रिटर्न एग्जाम्स जो कि आपका 10 सितंबर 2017 एंड 25 फरवरी 2018 को हुए थे, तो वह अपने रिटर्न टेस्ट मार्क्स जो है देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट को जो है यानी कि क्लियरली उन्होंने सारा कुछ डिवाइड करके दिया है। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि जो सिलेक्शन हुआ है वह किस टाइप से हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कुछ लोग कि काफी सारे कैंडिडेट का काफी कम मार्क्स पर जो है सिलेक्शन हो चुका था। इससे पिछले काफी ज्यादा कमेंट आए थे और कुछ लोगों का उतने मार्क्स पर नहीं हुआ था, तो वह एक्स ट्रेड अप्रेंटिस वालों को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स जो दिए थे उसकी वजह से वह सारा हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ क्लियर करके आपकी मार्कशीट को यहाँ पर अवेलेबल कराया है, तो चलिए यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज, प्लीज क्लिक हर टू व्यू योर मार्कशीट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ रिटर्न एग्जाम हेल्ड ऑन 10 सितंबर 2017 एंड 25 फरवरी 2018। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसके जरिए आप अपनी उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है और एप्लीकेंट लॉगिन के लिए इन्होंने जो है ऑप्शन दिए हैं, तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके जरिए जो है आप अपने मार्कशीट को देख सकते हो कि किस प्रकार आपके फर्स्ट पार्ट में कितने मार्क्स थे एंड सेकंड पार्ट में कितने मार्क्स थे। यदि आप एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हैं, यानी कि आपने किसी भी ऑर्डनेस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप की है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स जो है आपके टोटल मार्क्स में एड किए गए होंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का फिलअप कर देता हूँ रोल नंबर। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी कोड को फिलअप कर लिया है। इसके नेक्स्ट आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पर, उसके बाद आप अपनी मार्कशीट एंड आपकी ओएमआर सीट को देख सकते हो। तो चलिए कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका नेम जो है शो होगा, जैसे कि वेलकम टू प्राइवेसी के लिए इसे मैंने हाइड कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली एक पॉपअप दिखाई देगा, इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जिस स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया है वह स्टूडेंट सेकेंड स्टेज के लिए यानी कि ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हो सारी डिटेल्स को, तो प्रिंट कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है व्यू रिटर्न टेस्ट मार्कशीट। आपके रिटर्न टेस्ट की सारी मार्कशीट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहां पर दिखाई है, तो आप देख सकते हो। एंड व्यू ओएमआर सीट आंसर की, यानी कि अपनी आंसर की को व्यू कर सकते हो। फिलहाल मैं यहां पर देखने वाला हूं मार्कशीट को, एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन नहीं करें। तो यहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार इन्होंने सारा डिटेल्स यहां पर शो किया है, यानी कि मार्कशीट फॉर रोल नंबर या किस रोल नंबर की मार्कशीट है, यहां पर रोल नंबर शो किया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, किस कैंडिडेट का जो है मार्कशीट है, यहाँ पर ट्रेड अप्लाइड फॉर, आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाइड किया था, एंड क्यूपी कोड, और यहाँ पर विदर एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, क्या आप एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हैं, तो नो यहाँ पर। क्लियर है। यदि यहाँ पर यस होगा, यदि आप एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हैं, तो यहाँ पर आपको यानी कि लास्ट से सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डनेस फैक्ट्री मार्क्स, तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर टोटल मार्क्स इनके 70 हो रहे हैं, यदि इन्होंने अप्रेंटिस की होती ऑर्डनेस फैक्ट्री से तो टोटल मार्क्स 75 हो जाते, क्योंकि उसका रीजन है
कि इनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते एक्सट्रेट अप्रेंटिस के, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट ए मार्क्स, यानी इन्होंने ए पार्ट में जो मार्क्स गेन किए वह 11 मार्क्स थे एंड पार्ट बी में इनके जो मार्क्स आए हैं वह 59 मार्क्स आए हैं। इस प्रकार टोटल मार्क्स इनके 70 हैं। यदि एक्स्ट्रा ट्रेड अप्रेंटिस होते तो 75 होता। इस प्रकार जो है टोटल मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है मेरिट। तो यहाँ से जो है सारा कुछ मेरिट बना है सेकेंड स्टेज के लिए जो कि हो चुका है। अब देख लेते हैं ओएमआर सीट को व्यू करके। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो ओएमआर सीट सबमिट की थी वह ओएमआर सीट आपके सामने व्यू हो जाएगी कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर जो है क्लिक किया था। तो यहाँ पर आप अपनी ओएमआर सीट को भी देख सकते हैं, क्लियर है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट आउट करके देख सकते हो आप, आपकी सारी डिटेल्स वहां पर रहेगी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ वहां पर आपका सारा डिटेल्स एड्रेस मार्क्स वगैरह क्वालिफिकेशन जो जो आपने फिलअप किया था वह सारा डिटेल्स वहां पर रहेगा। वैसे तो सभी कैंडिडेट ने जो है ओपन करके देख ली होगी अपनी मार्कशीट, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में लेट हो गया हूँ, फिर भी इन्फॉर्मेशन देना थी क्योंकि काफी सारे व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।